नाम है एम तुराज, मैं यहाँ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में लिरिसिस्ट हूँ और मेरी अब तक 35-36 फिल्में हो चुकी हैं जिसमें से और संजय लीला भंसाली के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। मैंने पहली फिल्म की थी गुजारिश, दूसरी फिल्म की थी बाजीराव मस्तानी और तीसरी फिल्म जो बहुत चर्चित फिल्म और पूरी दुनिया में जिसकी बातें हो रही हैं वो फिल्म है पद्मावती, उसके भी गाने मैंने लिखे हैं और मेरे गाने जो हैं वो दो गाने आ भी चुके हैं। जी, आपने कितने गाने लिखे हैं इस फिल्म में? मैंने 7 गाने किए हैं और इसमें से 2 गाने रिलीज हो चुके हैं, बाकी गाने अभी बाकी हैं। और इन 2 गाने जो रिलीज हुए हैं उन गानों ने ये बता दिया है कि आने वाले गाने क्या होंगे। लोगों को बहुत पसंद आए, संजय जी ने कमाल की कंपोजिशन बनाई है, कंपोज किए हैं कमाल के, एज ए म्यूजिक कंपोजर उन्होंने जादू किया है और मैंने उस जादू में एक जादू और डाला है और वो है मेरे लिरिक्स। Which one is your favorite track? देखिए दोनों गाने मेरे हैं तो मुझे दोनों गाने बहुत पसंद हैं। घूमर बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरे मिजाज से हटके है, मैंने जो अब तक काम किया है उसमें से एक डिफरेंट काम है घूमर। और वैसे अगर बात जब आती है पसंदीदा होने की तो वो जो एक दिल एक जान है दोनों जिस पे कुर्बान है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा सूफी टच और ठहराव वाला गाना है, उसमें जो इश्क और मोहब्बत है वो ज़्यादा ऐसे आती है तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं मोहब्बत वाला आदमी हूँ। और दुनिया की कोई भी तरक्की, मैं भी तरक्की करना चाहता हूँ, दुनिया की कोई तरक्की, कोई काम, कोई अच्छाई जो है बिना मोहब्बत के हो ही नहीं सकती। जैसे कि आपने कहा कि आप घूमर जब आप लिख रहे थे तो आपने बहुत रिसर्च किया, यू वेंट टू राजस्थान एंड यू नो, तो वहाँ के लोगों ने आपके साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया? देखिए मैं जब ये फिल्म संजय जी ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो उन्होंने कहा कि ये घूमर करना है हमको। घूमर जो है वो एक राजस्थानी एक फोक जो है फॉर्मेट है, हमें उसमें काम करना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था चूँकि मैंने उससे पहले कभी ऐसा गाना लिखा नहीं था। तो मैंने उसके लिए काफ़ी रिसर्च किया, संजय जी ने बहुत सारे इनपुट्स जो हैं वो दिए और कमाल की कंपोजिशन उन्होंने बनाई। और मैं उन्हीं दिनों चूँकि मैं एक पोएट हूँ, मैं एज ए पोएट जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जाता रहता हूँ, तो मैं उन्हीं दिनों मैं गया था राजस्थान और वहाँ मैंने अपना काम भी किया, जो मेरा इवेंट था वो भी किया। उसके बाद मैंने वहाँ मैं रुका और मैंने काफ़ी रिसर्च किया, जो लोग मेरी रीच में थे वहाँ उनसे मैंने काफ़ी जो है वो पूछताछ की और काफ़ी उनके साथ मैं बैठा, उनसे बातचीत की और मैंने कुल मिला के उस पर मेहनत की। और वो मेहनत जब मैंने लिख के संजय जी को सुनाई, उनको अच्छी लगी, उसमें कुछ करेक्शंस थे वो हमने जो है वो किए और उसके बाद फिर वो एक खूबसूरत गाना बना। और जैसे कि अभी चल रहा है पद्मावती के ऊपर इतना मीडिया में, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए सब लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि पद्मावती जो है वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, सब लोग इसलिए उसकी बात भी कर रहे हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं करता। तो बहुत ही अच्छी फिल्म संजय जी ने बनाई है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि उस फिल्म में क्या है, कैसी फिल्म है और क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं है, वो संजय जी डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरती से ईमानदारी से जुम्मन बोला है वो फिल्म बनाई है, मैं ये सब जानता हूँ। और मेरी बात की ताइद में, मतलब मेरी बात को मैं इसलिए उसको जो जोर दे रहा हूँ क्योंकि संजय जी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे जो उन्हें कहना था इस फिल्म के लिए वो कह चुके हैं और जो उन्होंने कहा है वही सच है, चूंकि उन्होंने वो फिल्म बनाई है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप, जितनी भी फिल्में हैं पुरानी उनकी जो इससे पहले उन्होंने बनाई है, बहुत ही खूबसूरत पोएट्रिक और बड़ी मोहब्बत वाली फिल्म बनाई है। तो ये फिल्म भी उन्होंने उसी तरह ईमानदारी से और लगन से बनाई है और मैंने भी उसमें उतना ही जितना मेहनत मुझे करनी चाहिए थी उससे बिल्कुल कम नहीं की, उससे ज़्यादा ही की है। और ऐसा इंशाल्लाह यकीन है कि सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। सर लोग कह रहे हैं कि संजय जी फिल्म दिखा नहीं रहे हैं, रिलीज़ के लिए जो इशू आ रहा है दिखाने का आ रहा है, तो वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? हाँ नहीं नहीं क्यों नहीं, उन्होंने तो फिल्म दिखाने के लिए बनाई है। अगर देखा जाए उन्होंने जितनी फिल्में पहले बनाई है वो बच्चों की सालगिरह में चलाने के लिए घर में रखी ही उन्होंने, तो वो सब फिल्में थिएटर में उन्होंने रिलीज़ की हैं और सब फिल्में दिखाई हैं, बाकायदा उसके पैसे भी लिए लोगों से टिकट। तो ये फिल्म में जो एक प्रोसेस होता है एक फिल्म का, तो ये फिल्म भी वैसे ही ऑडियंस तक पहुँचेगी बिल्कुल और वैसे ही दिखाई जाएगी। और जो भी इसके जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे सेंसर बोर्ड वगैरह है वहाँ सब चीज़ें हो रही हैं और फिल्म जो है वो जल्द ही रिलीज होगी, उसकी डेट प्रोड्यूसर से आ चुकी है और लोग मज़ा आएगा तो फिल्म देखें। देखिए मैं हमेशा, जैसा आपने भी कई सवाल किए हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं,
तो देखिए सबकी सोच अपनी अपनी जगह, हमारी सोच तो ये है, अगर आप देखें तो मैं इन दो लाइनों में वो सारी बातें बोल रहा हूँ जो मुझे बोलनी चाहिए, और वो ये है, वो पूरी दुनिया के लिए है, वो मेरे लिए भी है, और मैंने इन दो लाइनों पर सबक की तरह काम किया है, सबक की तरह इनको याद किया है, और इसीलिए मुझे इससे बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबके लिए जवाब बहुत अच्छा होगा, इस पर अमल करना चाहिए कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। सर आप 35 फिल्में लगभग कर चुके हैं जैसे आपने बताया, आज के दौर के शायर को कोई मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि आज बदलफाजी में लैंग्वेज जी, जी जी बिल्कुल, जिसमें कोई कोड नहीं होता है, जिसमें कोई बहर नहीं होती, जिसमें कोई तर्ज नहीं होती है, फिर भी वो गाने हिट हो जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए हिट होना किसी की पोएट्री का अच्छा होना और बुरा होना वो पैरामीटर नहीं है, हिट होना एक अलग चीज़ है, वॉशिंग पाउडर निरमा भी हिट होता है तो उसका वो एक अलग चीज़ है। बात यह है कि जितने भी राइटर्स हैं या जो भी क्रिएटर्स हैं उनको ईमानदारी के साथ अपने काम से ईमानदारी करते हुए, देखिए हम जो काम करते हैं वो हमें सीखना चाहिए, वो चाहे राइटिंग हो या डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो, हमें उससे ईमानदारी के साथ वो काम पहले सीखना चाहिए और उसके बाद हमें करना चाहिए। तो मैं वो जो पोएट हैं, जो राइटर्स हैं, जो राइटिंग कर तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं जानते, जानते हैं लेकिन उसमें पुख्तगी नहीं है, उसमें कम्प्लीटनेस जो होता है वो नहीं है, वो उसके लिए उनको मेहनत करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे वो सब अच्छा ही काम करेंगे, सीख जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और तो देखिए पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो हमें सीखना चाहिए, हर वो काम जो हम लोगों को देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है देने वाले की कि वो क्या दे रहा है, तो उसको अच्छा ही देना चाहिए, अपनी अपनी तरफ से 100% से कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छा काम करे, देना हमें वही है जो ऑडियंस चाहती है, जो ऑडियंस को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी हम देने के तरीके होते हैं, हम किसी को जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं तो बात तो हमें करनी है, हम बदतमीजी से भी कर सकते हैं, हम प्यार से भी कर सकते हैं, हम एक कॉमेडी में भी बात कर सकते हैं, तो हमें एक अच्छी चीज़ ही लोगों को डिलीवर करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है एज ए क्रिएटर। आप बड़े शायर हैं और बड़ा माना जाता है आपको इंडस्ट्री में, तो कोई आज के दौर के शायर के लिए कोई मैसेज? देखिए मैसेज यही है कि मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि हमको अच्छा सुनने, अगर हम अच्छा कहने वाला बनना चाहते हैं तो हमको अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, और अगर हम अगर हम कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं तो हमें अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, तो किताबें पढ़ें लोगों को जो हमसे पहले लोग करके गए हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। नई जनरेशन का यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि वो उनके पास वक्त कम है, शायद वो पढ़ नहीं पाते, तो उनको पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए कि लोग जैसे भी गाने आते हैं, अच्छे अच्छे गाने भी आते हैं, जैसे बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे गाने सुनने चाहिए हमें, तो हम ऑब्वियसली अच्छा गाना लिखेंगे, यही है। और जैसे कि मैंने वो पोएट्री पढ़ी है कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो दोस्त, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। लोगों ने आपकी बहुत सारी गज़लें गाने सुने, कोई ऐसी खूबसूरत जो आपकी याद में हो और आपको खुद को पसंद हो वो सुना दें। देखिए मैं एक गज़ल जो हमेशा मैं पढ़ता हूँ वो ये है कि इसमें भी वही है कि मैं देखिए पोएट जो है वो मोहब्बत से ही बनता है, और मोहब्बत ही पूरी ज़िंदगी बनाता रहता है, और मोहब्बत ही पूरी ज़िंदगी वो लिखता रहता है, मोहब्बत ही देता रहता है। तो मेरी दो लाइनें हैं, मैं वो दो शेर आप तक पहुँचाऊँगा कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओ मैं मुस्कुराने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओ मैं मुस्कुराने वाला हूँ, और तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, रानाइयाँ खूबसूरतियाँ, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। कोई आने वाले प्रोजेक्ट आपके पद्मावती के? आने वाला तो अभी इससे बड़ा तो कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, अभी तो ये आना बाकी है और पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी पे है जो मैं और काम कर रहा हूँ, उनके नाम मुझे अभी अनाउंस अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुए नहीं है, तो इसलिए मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक पार्ट होता हूँ किसी फिल्म का, कोई उसका मतलब मालिक नहीं होता, तो मुझे भी उतना ही जितना मेरा हक है मैं उतनी बात करता हूँ,
मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपने अपने हिस्से का, अपने हक का काम करना चाहिए। हम प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होती है जहाँ हम दूसरों का काम करने लगते हैं।